राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी के बीच सियासत का पारा भी हाई हो गया है। बाड़मेर जैसलमेर सीट चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी चर्चाओं में रही। पूरे राजस्थान में चुनाव हुए लेकिन चर्चा में रही तो सिर्फ एक सीट, बाड़मेर जैसलमेर की सीट। अब इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने दावा किया है कि जितने भी चुनावी पंडित थे उनकी भविष्यवाणी फेल होगी और ऐतिहासिक मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत और बिजली की अघोषित कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस शिकायत को लेकर भाटी बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता का जोश और आशीर्वाद ही कैलकुलेशन था। 4 तारीख को चुनावी पंडितों की सारी भविष्यवाणी फेल हो जाएगी और ऐतिहासिक मार्जिन के साथ आपकी मेरी जीत देखने को मिलेगी। सुनिए भाटी ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, 4 तारीख रो जनता आशीर्वाद रे बेड़ो, निश्चित रूप रे मीना एक इतिहास लिखी जो जा है और जीत बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता री। समय तय कर है और जनता रो आशीर्वाद पूरा है, निश्चित रूप में आते चुनाव जीते जनता बीच में आए काम। कैलकुलेशन तो जनता रो आशीर्वाद और जनता जो जोश है तो वाकई ये चुनाव रे मीना तमाम पॉलिटिकल पंडित जिता भी है हमारी भविष्यवाणी अभी फैलू है, एक ऐतिहासिक मार्जन रे है आने वाले समय रे मीना आप सबाने जीत देखना मिले। वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, उसका फायदा? बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ियो है। हूँ तमाम बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा रे देवतुल्य जनता रो धन्यवाद देनो चाहूँ कि वहाँ ये गर्मी रे मीना भी निकल आपरे छोटे भाई आपरे बेटे ना आशीर्वाद देने वास्ते आपको बताया। बता दे बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल के सामने रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, ऐसे में नतीजों से पहले भाटी ने बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर सबको हैरान कर दिया है। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।